वो बढ़ रहे, हर तरफ आपको प्लेस नजर आने ही वाले हैं यहाँ पर, कहीं पर भी जाएंगे तो। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हर जगह आपको खिलाड़ी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन सामने की तरफ है स्टार बॉय ओमेगा, जा रहे हैं स्टार बॉय की तरफ और ड्रॉप कर दिया। क्या बात है, ओमेगा ने स्टार बॉय को डाउन तो किया लेकिन पीछे से स्प्रे गॉड थे उन्हें स्प्रे करने के लिए। कैजुअलिटी आती तो थोड़ा सा जरूर माइंडसेट पे काफी कुछ चीजें खटकती कि एक प्लेयर हमारा, हम कह सकते हैं कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट का वो फ्रैग दे दिया, बट ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर, सही वक्त पे वो यहाँ पर सपोर्ट फायर आता है। लेकिन चलिए फाइट तो समाप्त हो चुकी, बट एक और फाइट का आगाज हमें देखने को मिलता नजर आएगा। टीम हाइड्रा, क्या यहाँ पर टीम का स्लैमिन आ चुका है? जी हाँ, गैलेक्सी स्पोर्ट्स। देखिए मुझे लग रहा है कि गैलेक्सी स्पोर्ट्स के पास एक सुनहरा अवसर है, वो है डे नंबर 3 पे आज ऊपर आने का। और जी हाँ, हाइड्रा को जिस तरह इसरो ने यहाँ पर सराबूत करने की कोशिश, बट अब काकाशी इज द लास्ट मैन वॉरियर, वो अकेले इकलौते खिलाड़ी, क्या टीम हाइड्रा को बाहर का रास्ता दिखा पाए? क्योंकि नॉकआउट हुए तो जरूर है, लेकिन देखते देखते उनके भी 3 प्लेयर्स हुए नॉकआउट, और शायद और भी बाकी जो टीम्स है इर्द गिर्द जो यहाँ पर नजर आ रही है वो भी चाहती है यहाँ पर थर्ड पार्टी करना, बट हाइड्रा तो देखिए यहाँ से निकलते नजर आने वाली है, उनको पता है कोई ना कोई टीम का स्लैमिन आ जाएगा। बट क्या चल रहा है गैलेक्सी के माइंड पे, यहाँ पर निकाला जरूर था, बट एक और टीम का यहाँ पर आगमन, और ड्रैगन